हेलो फ्रेंड्स, आज हम ढाबा स्टाइल प्याज बनाएंगे। इसको हम 10-12 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। हमने 3 नींबू का रस निकाला है, उसमें हमने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काला नमक। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे मिक्स हो गया, अब हम इसमें एक छोटी हरी मिर्ची और एक छोटा टुकड़ा अदरक का जो हमने लंबा लंबा पतला पतला काट रखा है उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसको भी मिक्स, इसके फ्लेवर एकदम अच्छे आएंगे। और फिर हम इसने प्याज लिया है, प्याज के हमने 3 प्याज लिए, उसके बारीक बारीक काट के उसके छल्ले अलग कर दिए और अब हम इसको डाल देंगे। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया डाल दिया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी बन जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।